सो गुड आफ्टरनून एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चंस जिसके लिए हम लोगों ने कल कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एक्सरसाइज 4.6 देखिए इसमें ना सिर्फ हमें कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है। यहाँ पे जो इसने पूछा इसने सिर्फ ये पूछा है फाइंड द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, हमारे पास दिया गया है x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू टू, दिस इज वन एंड टू। तो इसको हम लिखेंगे वैसे ही द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as into xy is equals to 2, 3. Or so a is equals to 1, 2, 2, 3, x is equals to xy। जब आपने इसको एक बार ऐसे लिख लिया एंड b is equals to 2, 3, तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to 1, 2, 2, 3, that is 3 minus 4, that is equals to minus 1, which is not equal to 0. Therefore, minus 1 is not equal to 0, toh humare paas kya jayega? If you see here, so therefore, the system of equation is system of equation is having unique solution and is consistent. तो हमारे को इसकी कंसिस्टेंसी बतानी थी, तो वी हैव गॉट दैट दिस इज कंसिस्टेंट। तो इसमें हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू टेल दिस थिंग। अगर हमारे पास यहां पे अगर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट भी हमारे पास यही है, टू वन जर टू और प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो वहां पे भी हमारे पास द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। तो हमारे पास वो जो हमने रूल्स पढ़े थे बस उसी रूल्स के ऊपर ये सब बेस्ड है कि यहाँ पर भी हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो हमारा स्टेप वन क्या है, स्टेप वन इज डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। स्टेप टू, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो then system of equation is consistent. System of equation is having unique solution and is consistent. Yeah, my first. और नंबर थ्री, अगर ये नहीं है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो
फिर हम क्या चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं, देन वी चेक एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. इफ इट इज जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has unique solution, has infinite solutions, and is consistent. तो जब भी solution निकलेगा तब वो consistent, and otherwise अगर ये zero नहीं है it is inconsistent. बस यही तीन चीजें का हमने ध्यान रखना है, दैट्स इट. इससे अलावा हमें कुछ भी और नहीं करना. देखें हमारे पास क्वेश्चन है 2x plus 3y plus 3z equals to 5. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस can be expressed as 2, 1, 3, 3, -2, -1, 3, 1, -2. X, Y, Z is equals to 5, -4, and 3. This implies that A into X is equals to B. Where A is equals to (2, 3, 3), (1, -2, 1), (3, -1, -2). X is equals to X, Y, Z, and B is equals to 2, 3, 3, 1, -2, 1, 3, -1, -2. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यूज क्या होगा. हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यूज क्या होगा, एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है. तो यहां पे हम इसको लिखेंगे, इसको हम वन ले लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स दिस इज आई into x is equals to a inverse b, x is equals to a inverse into b, ठीक है. अब हमें a inverse निकालना है, तो सबसे पहले for a inverse हम लोग क्या निकालेंगे, determinant of a is equals to या हम लोग सीधा एडजॉइंट्स निकालते हैं, एडजॉइंट्स को लेके हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट की. तो एडजॉइंट्स निकालते हैं तो C11. अब इसमें देखिए हम लोग कैसे अपने प्रोसेस को रिफाइन करने वाले हैं.
सी वन वन हमने निकालना, तो ये आ जाएगा आपके पास इट इज 4+1 इक्वल्स टू 5। सी वन टू अगर हम इसको देखेंगे तो यह आ जाएगा 1 3 1 -2 और बार माइनस आ जाएगा, तो दिस इज माइनस ऑफ -2 -3 इज इक्वल्स टू 5। सी वन थ्री 1 -2 -1 + 6 हो जाएगा बिकॉज -1 and +6 इज इक्वल्स टू 5 अगेन। देन सी टू 1 3 3 -1 -2 दिस इज इक्वल्स टू 6 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 2 3 3 -2 दैट इज इक्वल्स टू -4 - 9 इज इक्वल्स टू -13। सी टू थ्री इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 3 - बाहर लगेगा 3 1 इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो फिर से क्या बनेगा 3। बस इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है क्वेश्चंस करने के लिए बिकॉज थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। सी 3 2 इज -2 1 3 1 +1 हो जाएगा एंड सी 3 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा सी 3 3 इज इक्वल्स टू 2 3 1 -2 दैट इज -4 - 3 इज इक्वल्स टू -7। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप किसी भी रो को उसके या किसी भी कॉलम को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा a11 into c11 + a12 into c12 + a13 into c13। a11 is 2 c11 is 5 फिर -3 into 5 + 3 into 5 10 - 15 + 15 this and this gone this is 10। कोफैक्टर मिल गया हम लोगों के पास, डिटर्मिनेंट मिल गया। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब हम उस यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो लेट अस सी। Now C is equals to C आ जाएगा 5 5 5 3 - 13 11 9 1 - 7। ये हमारे पास क्या आ गया दिस इज C। अब
एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इज सी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाइव 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 थ्री माइनस थर्टीन इलेवन नाइन वन माइनस सेवन होल ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन इंटू थ्री माइनस थर्टीन इलेवन नाइन वन माइनस सेवन. अभी मैं टेन को नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको लिखूंगा नाउ एज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी. सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड ए इनवर्स, व्हाट इज ए इनवर्स, वन अपॉन टेन इंटू फाइव थ्री नाइन फाइव माइनस थर्टीन वन फाइव इलेवन माइनस सेवन इंटू बी. व्हाट इज बी, बी वॉज फाइव माइनस फोर थ्री. तो एक्स वाई जेड हमारे पास बनेगा, ये वन अपॉन टेन को बाहर रहने दीजिए, सो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी सेवन, फिर ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी टू प्लस थ्री, देन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी वन. तो मुझे लगता है कि ये हमें वैल्यूज दे देना चाहिए. तो लेट अस सी, तो हमारे को एक्स वाई जेड दिख गया यहां पे, सो वी कंसीडर दिस एक्स वाई जेड एज एक्स वाई जेड वन अपॉन टेन इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी टू माइनस ट्वेल्व इज फोर्टी, फिफ्टी फाइव प्लस फाइव सिक्सटी इंटू एट्टी, and 25 minus 65 is minus 40. So xyz is 4, 8 minus 4. This implies that x is equals to 4, y is equals to 8, z is equals to minus 4. तो दिस शुड बी द आंसर फॉर अस एक्स फोर. अब इतनी मेहनत करने के बाद डर रहता है कि यार एक क्वेश्चन हमने सही भी निकाला कि नहीं निकाला, नहीं तो जो एग्जामिनर है वो आके मार्क्स काट सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे एक्स फोर वाई एट जेड माइनस फोर, जस्ट सब्सटीट्यूट देम इन द इक्वेशन एंड सी कि हमारे पास क्या वैल्यू आता है. तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे है एक्स फोर, तो टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू एट माइनस थ्री इंटू फोर जी. तो हमारे कोफैक्टर्स तो बिल्कुल ठीक है,
मैंने यहां पे एक्चुअली प्लस आएगा बिकॉज ये हमारे पास प्लस रहेगा बिकॉज हम को फैक्टर्स को ही लेके चल रहे थे एलिमेंट्स के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ये कटेगा नहीं। यहाँ पे एक गलती, क्योंकि साइन की एक छोटी सी गलती हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज 10 प्लस 15 प्लस 15, ये 40 ही आएगा, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड यहाँ पे हमारे पास इंस्टेड ऑफ 1/10 दिस विल बी 1/40। और यहाँ पे 4, 8 माइनस 4 की बजाय दिस विल बी विद अस एस 1, 2, -1। सिमिलरली एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू -1। अब यही चीज हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, हमारी मेन इक्वेशन। आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 1-1। तो यहाँ पे देखें, इज दिस 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × -1 का वैल्यू क्या बनता है, ये बनेगा 2 + 6 - 3 इज इक्वल्स टू 5। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिमिलरली सेकंड को आप चेक कर सकते हैं, थर्ड को आप चेक कर सकते हैं। तो आपने वो वैल्यूज एक्स वाई जेड की वैल्यूज पे डालना है एंड यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। तो आपके अगर ये वैल्यू सही है तो देन आपके पास जो आपने आंसर निकाला वो सब सही है। सो दिस वाज हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चंस। तो आपको ये दिख गया, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस। और यहाँ पे बोलता है प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने सिर्फ इसका ये फाइंड आउट करना है। तो देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A is equals to x sin theta cos theta minus sin theta minus x एंड वन कॉस थीटा 1 एंड एक्स। एक तरीका है कि आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको आप 1 ले लें। मैं इसको ना एक और चीज ले सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 एंड कॉस थीटा 1 एक्स। आप सोचोगे ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ रोज को कॉलम इंटरचेंज कर दिया। और हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना जी। तो हम इसको यूज कर रहे हैं बस एडिंग 1 एंड 2 या रहने दीजिए इसको, क्योंकि इसको पहले मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
रहने दीजिए इसको, वी गो ऑन विद द थिंग्स। हम इसको सीधा एक्सपेंड ही कर लेते हैं, वैसे ही हमारे पास थोड़ा सा हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और फिर उसको कर पाएंगे, अदरवाइज हम पहले इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं सीधा, तो एक्सपेंडिंग बाय आर वन दिया जाएगा एक्स माइनस एक्स वन वन एंड एक्स माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा वन, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। नो यहां देखें माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो कट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वन एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये एक्स एंड एक्स कैंसिल, सो फाइनली माइनस एक्स क्यूब इज द आंसर फॉर दिस। So we have proved it that it is independent of तो इसमें theta है नहीं, ना sin theta ना cos theta, so it is independent of theta। Now question number 2 देखें, question number 2 हमारे पास दिया गया है, prove करना हमें the first matrix first determinant is equals to second determinant। तो यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज बी सी सी ए एंड ए बी, हम इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, एक्सपेंड नहीं करना हमने इसको बिल्कुल भी, मल्टीप्लाइंग आर वन बाय ए आर टू बाय बी आर थ्री बाय सी एंड डिवाइडिंग आउटसाइड बाय
ABC. So this is 1 upon ABC. R1 को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A क्यूब, ABC, B क्यूब, ABC, C क्यूब, ABC. Taking ABC common from C3. तो ये आपके पास आ जाएगा ABC upon ABC. This and this gone. ये आपके पास आ जाएगा A square, B square, C square, A cube, B cube, C cube, 1, 1, 1. Interchanging इंटरचेंजिंग अगर हम देखें आर वन एंड आर टू, आर टू एंड आर थ्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस. हमने फॉर्म जो आइडेंटिटी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली. This is again next हमारे property use करेंगे interchanging R1 and R sorry R2 and R3 नहीं है, मैंने C2 and C3 है. Interchanging C2 and C3 है यहाँ पे. एंड यहां पे इंटरचेंजिंग सी वन एंड सी टू है. जब सी वन एंड सी टू आएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा वन वन वन, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब. सो हेंस प्रूफ. तो इस तरह से हमने एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस कर दिया. तो शाबाश, आप इसको करिए नोट दोनों को और फिर मैं अगले वाले पे चलता हूं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिवन टू अस एज cos alpha cos beta, cos alpha sin beta and then minus sin alpha. तो हमें इसको evaluate करना है. देखिए इसमें हम लोगों को कुछ common नहीं मिल रहा है. cos beta है दो में लेकिन तीसरे में नहीं है. अगर हम लोग देखें ऊपर वाली रो को चेक करें तो cos alpha है दो में तो तीसरे में नहीं है. तो इसमें हमें कुछ common नहीं मिल पा रहा है. तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको C1 से इसको मैं या R1 से इसको C1 से इसको एक्सपेंड कर देता हूं. C1 या R1 तो एक्सपेंडिंग विथ कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी लग नहीं रही है. तो एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लेते हैं तो याद आएगा cos alpha cos beta into cos beta 0 sin alpha sin beta and this is cos alpha. Here minus cos alpha साइन बीटा इज इक्वल इनटू याद आएगा हमारे पास माइनस साइन बीटा
साइन अल्फा कॉस बीटा जीरो कॉस अल्फा प्लस नहीं माइनस साइन अल्फा, और ये सिंपली क्या बन जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपली आपने ओपन ही करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस जीरो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस जीरो माइनस साइन अल्फा इंटू यह आ जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा साइन अल्फा। बस अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा, ये माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इंटू साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा आप यहां से भी देखें तो हमारे पास दिस इज माइनस इनटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉमन लेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा। यहां से तो ऑलरेडी हमारा साइन स्क्वेयर अल्फा कॉमन ही लिया गया है, ये तो ऑलरेडी वन आ जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू वन प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज वन। तो इस तरह से हमें ये आंसर वन मिल जाएगा। सो वी हैव डन दिस, आपने इसको नोट करना है अच्छे से, इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ वो आप आज घर पे ट्राई करेंगे। आज हम इतने रखेंगे, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इससे, और hopefully in next one or two days this will be finished. So bye for today, god bless you all, stay home, stay safe, apna dhyan rakhiye, apne elders ka dhyan rakhiye, aur jai hind।